हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, टेली की तरह बेस्ट क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट लेके आ गई हूँ। आज का टॉपिक है लर्निंग यानी अधिगम। जैसा कि ये टॉपिक स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी यानी कि खेल मनोविज्ञान के टॉपिक अधिगम से रिलेटेड है, इससे पहले मैं इसके दर्शन शास्त्र यानी फिलोसॉफी स्पोर्ट्स में कैसा अपना रोल अदा करता है इसके बारे में मैं बता चुकी हूँ। एंड आज का है लर्निंग यानी अधिगम यानी सीखना। इसके सीखने के कई सारे सिद्धांत हैं, उन सभी रिलेटेड थ्योरी सेशन देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। जैसा कि दोस्तों, सभी एग्जाम्स कब कंडक्ट हो जाएंगे कोई नहीं जानता है, इसलिए आप हमेशा प्रिपेयर्ड रहिए, अलर्ट रहिए। कभी भी एग्जाम हो, आपका उसमें स्थान होना चाहिए। इस तरीके से तैयार होके रहिएगा। जैसे कि देख रहे हैं ये बिहार स्टेट का, जैसे कि फॉर्म अप्लाई होने के जस्ट 2-3 दिन बाद आपका एग्जाम डेट भी आ गया। तो ऐसे कंडीशन में कहीं कहीं तो एग्जाम ही नहीं होता है 2-3 साल, कहीं कहीं तुरंत करा लेता है, तो सरकार का कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए आप अपने तरफ से हमेशा अलर्ट रहिए यदि नौकरी लेना है तो। तो दोस्तों, यदि बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल में फिजिकल एजुकेशन के किसी भी टॉपिक को सर्च कीजिए और चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, सभी चीज़ें डिटेल में पढ़िए। तो दोस्तों, चलते हैं आपके एग्जाम से पहले मैं बहुत सारी चीज़ों को कवर करना चाहूँगी फटाफट। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा कक्षाओं में उचित छात्र व्यवहार का विकास और अनुरक्षण किसके द्वारा प्रभावित होता है? तो दोस्तों, यहाँ पे हम देख सकते हैं किसके द्वारा प्रभावित होता है शिक्षा कक्षाओं के उचित छात्र व्यवहार का विकास शारीरिक शिक्षा में। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे शिक्षक और छात्र के बीच पारस्परिक क्रिया होना चाहिए। जैसे कि शिक्षा कार्य ही दो अकेले नहीं हो सकता, शिक्षक छात्र दोनों सक्रिय रहेंगे तभी वो शिक्षक कार्य या प्रशिक्षण कार्य हो सकता है, चाहे सारी शिक्षा हो चाहे साधारण शिक्षा हो। यानी शिक्षक और छात्र दोनों का पारस्परिक क्रिया यानी सक्रिय होना चाहिए। एंड छात्रों के बीच पारस्परिक क्रिया होना चाहिए। एंड आपका भौतिक वातावरण के साथ पारस्परिक क्रिया, ये सभी चीज़ें शारीरिक शिक्षा कक्षाओं में उचित छात्र व्यवहार का विकास करती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं वही चीज़ दिया है, शारीरिक शिक्षा कक्षाओं में उचित छात्र व्यवहार का विकास और अनुरक्षण, शिक्षक और छात्र के बीच पारस्परिक क्रिया, छात्रों के बीच पारस्परिक क्रिया और भौतिक वातावरण के साथ पारंपरिक क्रिया द्वारा प्रभावित होता है। याद रखिएगा और अपना थोड़ा दिमाग लगाइएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सीखी जाने वाली नई निपुणता पहले से सीखी गई निपुणता से भिन्न है तो इससे सीखने के स्थानांतरण को क्या कहेंगे? दोस्तों अपना दिमाग लगाइए, इसको क्या कहेंगे? तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, भिन्न है मतलब अलग है। तो न तो इस सीखने का स्थानांतर क्या होता है कि पहले से जो सीखी गई क्रिया होती है तो नए क्रिया सीखने में पहले की सीखी गई क्रिया अगर सहायता करती है तो उसे कहते हैं सकारात्मक स्थानांतरण, अगर सहायता नहीं करती है तो कहते हैं ऋणात्मक स्थानांतरण। अगर कोई भिन्न कार्य सीख रहे हैं, न तो वो आपका सीखने में सहायता कर रही है और न तो हानि पहुंचा रही है, तो यहाँ पे शून्य स्थानांतरण हो जाएगा। दोस्तों क्या हो जाएगा, शून्य स्थानांतरण। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। अगर सीखने में बाधा पहुंचाएगी तो ऋणात्मक है, अगर सहायता करेगी तो धनात्मक है। अभिन्न क्रिया है, कोई अलग कार्य है जहाँ पे न सहायता करेगी न बाधा उत्पन्न करेगी, एकदम नया कार्य है, यहाँ पे शून्य स्थानांतरण होगा। ध्यान रखिएगा, ये UPTGT 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। और नेक्स्ट दोस्तों, संज्ञान का सबसे साधारण रूप क्या है? तो संज्ञान का सबसे साधारण रूप है संवेदना। क्या है? संवेदना, जिसे कॉग्निशन संज्ञान ज्ञान कहते हैं। यानी संज्ञान का सबसे साधारण रूप संवेदना है, क्योंकि संज्ञान यानी कॉग्निशन कुछ महत्वपूर्ण मानसिक प्रक्रियाओं का सामूहिक नाम है जिनमें ध्यान, स्मरण, निर्णय लेना, भाषा निपुणता और समस्याएं हल करना शामिल है। मोटे तौर पर संज्ञान दुनिया से जानकारी लेकर फिर उसके बारे में अवधारणाएं बनाकर उसे समझाने की प्रक्रिया को भी कहा जा सकता है।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सीखने के चरणों में सूची एक का मिलान सूची टू के साथ करें एवं उत्तर नीचे दिए गए कूट के साथ साथ दीजिए। तो यहाँ सीखने के चरण हैं। तो दोस्तों सीखने का प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। प्रथम चरण में हम क्या करेंगे, सीखने के प्रथम चरण में हम क्या करेंगे? तो सीखने के प्रथम चरण में हम यानी कि हम करेंगे बोध का ज्ञान। यानी ये क्या चीज है, बोध क्या ज्ञान, यानी कि बी का आपका हो जाएगा वन। तो प्रथम चरण से स्टार्ट करते हैं, तो बी का क्या हो जाएगा, वन, बी का वन हो जाएगा, ठीक है। एंड सीखने के द्वितीय चरण में क्या करेंगे, अब उसका ज्ञान अर्जन करेंगे, क्या करेंगे, ज्ञान, यानी कि ए का हो जाएगा टू। एंड सीखने के तृतीय चरण में क्या करेंगे, सीखने के तृतीय चरण में करेंगे सीखने का प्रक्रिया ज्ञान, प्रक्रिया ज्ञान, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। तो यानी कि आप प्रथम सबसे पहले कोई चीज़ सीख रहे हैं, सबसे पहले उस चीज़ का बोध करेंगे कि बेसिक जानकारी लेंगे, फिर दूसरे चरण में उसका ज्ञान अर्जन करेंगे, उसके बाद उस प्रक्रिया को चालू रखेंगे तीसरे चरण में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मनोविज्ञान को शारीरिक शिक्षा के छात्र को सिखाया जाता है क्योंकि, ये क्वेश्चन विवादास्पद है, यहाँ पे ये भी यूपी डीजीटी 2021 में आया था। तो मनोविज्ञान की बात आया तो मनोविज्ञान किसका विज्ञान है, तो व्यवहार का, इस ट्रिक का इस्तेमाल करिएगा। तो मनोविज्ञान में व्यवहार शब्द जहाँ दिखे वो आपका सही आंसर होगा। तो मनोविज्ञान को शारीरिक शिक्षा के छात्र को सिखाया जाता है, क्यों सिखाया जाता है, क्योंकि यह किससे संबंधित है, व्यवहार से संबंधित है। क्यों सिखाया जाता है, क्योंकि व्यवहार से संबंधित है, जिससे खेल संपन्न कराने में आसानी होगी, ठीक है। तो यह व्यवहार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखना वह प्रक्रिया है जिससे बदलाव होता है, सीखना वह प्रक्रिया है जिससे बदलाव होता है। तो दोस्तों अनुभव व प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन को ही सीखना कहते हैं, याद रखिएगा। अनुभव व प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन को ही सीखना कहते हैं। सीखना कैसे कहते हैं, लर्निंग किसे कहते हैं, अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना है। तो हमेशा बदलाव की बात आए सीखने में, तो वो व्यवहार का बदलाव आएगा। सीखना किसे कहते हैं, तो व्यवहार में परिवर्तन को कहते हैं। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, आप टिक लगा दिए होंगे, व्यवहार, ठीक है। क्या है, व्यवहार, ऑप्शन नंबर सी। यानी दोस्तों सीखना वह प्रक्रिया है जिससे बदलाव होता है व्यवहार का, यानी कि अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार पे परिवर्तन कहलाता है सीखना। यानी कार्ल विल के अनुसार पहले से निर्मित व्यवहार में अनुभवों द्वारा हुए परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि सीखने के कारण व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है। व्यवहार में यह परिवर्तन बाह्य एवं आंतरिक दोनों ही प्रकार का हो सकता है, ठीक है। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए हर एक चीज का। नेक्स्ट है, खेलों की सरपल्स एनर्जी थ्योरी को स्थापित किया था दोस्तों। तो ये बार बार क्वेश्चन आता है। सरपल्स एनर्जी थ्योरी दिया है हर्बर्ट स्पेंसर एंड सीलर ने। तो सरपल्स एनर्जी थ्योरी दिया है हर्बर्ट स्पेंसर एंड सीलर ने। मनोरंजन थ्योरी पैट्रिक ने दिया है। पुनर्कथन रिकैपिटुलेटरी थ्योरी दिया है स्टेनली हॉल ने। साइको एनालिटिक थ्योरी दिया है सिगमंड फ्रायर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि स्वयं सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है। स्वयं से सीखना है तो हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, क्या करेंगे, कोई ना, हमको प्रदर्शन विधि में तो हम दूसरों को देख रहे हैं, व्याख्यान विधि तो दूसरे के व्याख्यान देख रहे हैं, कार्य विधि, ये तीनों नहीं होगा, क्या होगा, अवलोकन। यानी स्वयं से सीख रहे हैं तो अवलोकन आपका मेन होगा। आप अवलोकन करके, देख के, चीज़ों को ऑब्जर्व करके सीख रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑब्जर्वेशन मेथड, यानी अवलोकन मेथड। यानी स्वयं सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे प्रभावी विधि है अवलोकन विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड। अवलोकन विधि या प्रेक्षण विधि अपने आप सीखने की सर्वोत्तम विधि है। तो कभी भी आपको आएगा कि अपने आप सीखने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, तो ऑब्जर्वेशन विधि,
हिंदी में लिखा रहेगा प्रेक्षण या अवलोकन, इंग्लिश में लिखा रहेगा ऑब्जर्वेशन मेथड, जिसमें बालक या व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर उनके कौशलों को आसानी से अपना लेता है। इस विधि में व्यक्ति को कुछ अस्पष्ट तथा असंगठित सामग्रियां दी जाती हैं और व्यक्ति को उनका वर्णन करना है, जिसमें वे प्रायः अपने सामाजिक अभिप्रेरकों की अभिव्यक्ति अचेतन रूप से करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुहनी को मोड़ते समय बाइसेप्स पेशी कार्य करती है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि जो हमारी पेशियां जो है विपरीत कार्य करती हैं, तो जब हमारी पेशियां सिकुड़ते समय या कार्य करते समय जो पेशी मुख्य भूमिका अदा करती है उसे कहते हैं एगोनिस्ट, और जो उसके विपरीत भूमिका अदा करती है उसको कहते हैं एंटागोनिस्ट। तो कोहनी को जब हम मोड़ रहे हैं तो उसमें मुख्य भूमिका अदा कर रही है बाइसेप्स मांसपेशी, तो बाइसेप्स मांसपेशी एगोनिस्ट का कार्य कर रही है। किसका कार्य कर रही है? एगोनिस्ट का कार्य कर रही है। बाइसेप्स मांसपेशी किसका काम कर रही है? एगोनिस्ट का। जबकि ट्राइसेप्स मांसपेशी विपरीत शक्ति लगा रही है तो उसको कहें कि एंटागोनिस्ट का। तो जब हम कोहनी को मोड़ रहे हैं तो बाइसेप्स मांसपेशी एगोनिस्ट का काम कर रही है और ट्राइसेप्स मांसपेशी एंटागोनिस्ट विपरीत का काम कर रही है। जबकि वही वजह हम कोहनी को फैलाएंगे, एक्सटेंशन मूवमेंट करेंगे, उस क्रिया में मुख्य भूमिका अदा कर रही है कोहनी को फैलाने में, एक्सटेंशन में ट्राइसेप्स मसल। तो उस कंडीशन में ट्राइसेप्स आपका एगोनिस्ट का काम करेगा और बाइसेप्स आपका एंटागोनिस्ट का। आई होप कि आप समझ गए होंगे। यहाँ पे कुछ विस्तार दिया गया है, इसको भी पढ़ लेते हैं। कुहनी का विस्तार होते समय ट्राइसेप्स का कार्य करना एंटागोनिस्ट कहलाता है। बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मांसपेशियां कुहनी की संधि को मोड़ने या विस्तार में सहायक होती है, इसको हम बता ही दिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि सीखा जाने वाला नया कौशल पहले सीखे हुए कौशल से भिन्न है तो सीखने का स्थानांतरण क्या होगा? दोस्तों तो यहाँ पे सीखने का स्थानांतरण क्या हो जाएगा? तो शून्य हो जाएगा। जब पहले से भिन्न है तो न तो वो सहायता करेगा न बाधा उत्पन्न करेगा, जाहिर सी बात है वो शून्य स्थानांतरण है। ठीक है, यदि सीखा जाने वाला नया कौशल पहले सीखे हुए कौशल से भिन्न है, अलग है, तो न बाधा उत्पन्न करेगा न ही सहायता करेगा, तो सीखने का स्थानांतरण क्या होगा? शून्य है। यदि किसी खेल में सीखा गया कौशल अन्य खेल को सीखने में सहायता करता है तो उसे सहायक स्थानांतरण कहते हैं। यदि बाधा उत्पन्न करता है तो नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। यदि भिन्न है, न बाधा उत्पन्न करता है न सहायता करता है, तो उसे कहते हैं शून्य स्थानांतरण, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, अनुभव अथवा प्रशिक्षण का उपयोग व्यक्ति के द्वारा उसी प्रकार के लगभग समान परिस्थिति में किया जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? दोस्तों उस चीज को कहते हैं क्षैतिज अंतरण। क्या कहते हैं? क्षैतिज अंतरण। यानी कि जब किसी एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, अनुभव अथवा प्रशिक्षण का उपयोग व्यक्ति के द्वारा उसी प्रकार के लगभग समान परिस्थिति में किया जाता है तो इसे कहते हैं सीखने की क्षैतिज अंतरण। जब पहले से सीखे गए ज्ञान या प्रशिक्षण से कुछ नया सीखना प्रभावित होता है तो यही प्रशिक्षण स्थानांतरण कहलाता है। अर्थात एक स्थिति में सीखा गया ज्ञान व अनुभव दूसरी जगह प्रयोग होता है तो उसे धनात्मक स्थानांतरण कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखना आदतों, ज्ञान, अभिवृत्तियों का अर्जन है, यह कथन किसका है? दोस्तों आदतों, ज्ञान, अभिवृत्तियों का अध्ययन है सीखना, यह कथन किसका है? तो यह कथन है क्रो एंड क्रो का। वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है आदत, ज्ञान, अभिवृत्ति, सीखना की परिभाषा, लर्निंग की परिभाषा दिए है कि सीखना आदतों, ज्ञान, अभिवृत्तियों का अध्ययन है, अर्जन है, ये बात कही है क्रो एंड क्रो ने। और स्किनर का कहना है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। एंड गिलफोर्ड का कहना है कि सीखना व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, गिलफोर्ड ने बोला है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोशारीरिक सीमाओं के कारण बनने वाले अधिगम पठारों को क्या किया जा सकता है? मनोशारीरिक सीमाओं के कारण जो पठार बनते हैं वो क्या होता है? उन पठारों को समाप्त करना कठिन होता है। क्या होता है? कठिन होता है। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि जो सीखने का कर्व होता है, वक्र होता है, वह धनात्मक, ऋणात्मक एंड मिश्रित वक्र होता है। एंड जो एक समय ऐसा आता है कि जो सीखने की क्रिया एकदम रुक सी जाती है, न तो ज़्यादा होती है न बढ़ती है, जो वक्र रेखा होती है न घटती है न बढ़ती है, एकदम सपाट होती है। ठीक, कैसी होती है?
एकदम सपाट, यानी कि पठार की तरह। पठार ऊपर से सपाट होता है, न ऊपर जाता है न नीचे जाता है, यानी कि सीखने की क्रिया कुछ समय के लिए रुक जाती है, उसी को पठार कहते हैं। लेकिन जब वही पठार मनोशारीरिक सीमाओं के कारण होता है, हमारे मन और हमारे शारीरिक थकान और सीमाओं के कारण होता है, उस समय अधिगम बनने वाले पठारों को समाप्त करना कठिन होता है। ये अधिगम बनते कैसे हैं, ये पठार बनते कैसे हैं, जैसे आपकी रुचि नहीं है उसमें, वातावरण ठीक नहीं है, आपको जबरदस्ती थोपा जा रहा है, आप थक गए हैं, या कोई बीमार है, या सारी स्थिति अच्छी नहीं है, या एक ही कार्य को करते करते आपको उब गए हैं, इस प्रकार के कंडीशन में पठार बनता है, तो उसको दूर किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन जब मनोशारीरिक सीमाओं के कारण बनने वाला पठार है तो उसको समाप्त करना थोड़ा कठिन होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? तो समूह कारक सिद्धांत, तो बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत दिया है थ्रस्टन द्वारा। किसके द्वारा? थ्रस्टन द्वारा। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत थ्रस्टन द्वारा, एक कारक तत्व सिद्धांत बीने द्वारा, बिनट द्वारा, द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन के द्वारा, एंड बहुकारक सिद्धांत बहु फैक्टर थ्योरी दिया है थॉर्नडाइक के द्वारा। ये सभी चीज़ें आपको याद होना चाहिए। यहाँ इसका एक्सप्लेनेशन व्याख्या दिया है कि बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत दिया गया थ्रस्टन के द्वारा। थ्रस्टन का पूरा नाम लुईस थ्रस्टन। थ्रस्टन ने समूह कारक सिद्धांत 1937 में दिया। इन्होंने समूह कारक सिद्धांत के साथ कहा कि बुद्धि क्षमताओं का एक समूह है। थ्रस्टन ने इस सिद्धांत का, बुद्धि किसका समूह है? क्षमताओं का। थर्स्टन ने इस सिद्धांत का प्रस्ताव दिया कि बुद्धि कई अलग अलग कारकों से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अधिगम वक्र के प्रथम सोपान में स्थित होती है, तो अधिगम वक्र के प्रथम सोपान में क्या होती है? कि अधिगम वक्र जो है तीन प्रकार का होता है। क्या होता है? अधिगम वक्र जो है, सीखने की जो वक्र होती है, वह तीन प्रकार का होता है। तो जो प्रथम प्रकार का वक्र है उसे कहते हैं धनात्मक वक्र, धनात्मक कर्व। दूसरा होता है ऋणात्मक कर्व। तीसरा होता है मिश्रित वक्र। ये जो धनात्मक वक्र होता है उसमें प्रारंभिक में सीखने की जो क्रिया होती है वह क्या होती है? तो आपको याद रखना है कि सीखने के वक्र जो है तीन प्रकार के होते हैं, ऋणात्मक प्रगति सूचक वक्र, धनात्मक प्रगति सूचक वक्र, मिश्रित वक्र। ऋणात्मक प्रगति सूचक वक्र में क्या होता है कि आरंभ में सीखने की संबंधित जो गति होती है वो तीव्र होती है और बाद में मंद होती है। इसमें क्या होता है कि सीखने की परिस्थितियाँ, जब आप पहले से उस कार्य को कुछ जानते रहेंगे तो आरंभ में जब सीखेंगे तो सीखने की गति आपकी तीव्र होगी, बट बाद में धीरे धीरे मंद हो जाएगी। इसको कहते हैं ऋणात्मक प्रगति सूचक वक्र। और दूसरा होता है धनात्मक प्रगति सूचक वक्र, जिसमें सीखने आरंभ में सीखने की गति मंद होती है और बाद में धीरे धीरे बढ़ता है, यानी कि जब इसमें अभ्यास और प्रशिक्षण के द्वारा वृद्धि होती है, यानी पहले से आप उस कार्य को ज़्यादा जानते नहीं हैं तब होता है। और तीसरा प्रकार का वक्र होता है मिश्रित वक्र, कंबाइंड कॉम्बिनेशन कर्व। यह सी टाइप का होता है लेकिन देखने में एस टाइप का होता है, यानी कि इस टाइप का आपका वक्र बनता है, यानी कि घटता बढ़ता रहता है, कभी घटता है कभी बढ़ता है, यानी कि वह यस वक्र भी कहते हैं, सी टाइप वक्र भी कहते हैं। वक्र प्रारंभ में सीखने वाले व्यक्ति के स्वभाव, सीखे जाने वाली क्रिया और सीखने संबंधी वातावरण की प्रकृति के आधार पर बढ़ता व घटता रहता है, किसी भी प्रकार का शक्ल ले सकता है। इस प्रकार के कहते हैं मिश्रित वक्र। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है अधिगम के प्रथम सोपान में, तो प्रथम सोपान क्या होता है? ऋणात्मक प्रगति सूचक वक्र। ऋणात्मक प्रगति सूचक वक्र में क्या होता है? सीखने की जो प्रक्रिया होती है बहुत तीव्र होती है। क्या होती है? प्रारंभिक में तीव्र होती है, बाद में कम हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट होगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे अच्छे से। तो यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है, उसको भी पढ़ लेते हैं कि अधिगम वक्र के प्रथम सोपान में स्थिति क्या होती है? तेजी होती है प्रारंभिक स्थिति में, यानी सीखने की प्रक्रिया जन्म से शुरू हो जाती है। आप जानते हैं जीवन प्रयत्न सतत चलने वाली प्रक्रिया है, सारा जीवन निरंतर चलती रहती है। सीखना यानी अधिगम का अर्थ है परिस्थिति अनुसार अपने आप को ढालना, इसको एडाप्टेशन भी कहते हैं, अनुकूलन भी कहते हैं। सीखना सरल से कठिन की ओर होती है, हमेशा सीखना कैसे होता है? सरल से कठिन की ओर। जब बालक शुरुआत में तीव्र गति से सीखता है तो इस वक्र को कहते हैं उत्तरोत्तर वक्र। उत्तरोत्तर वक्र यानी कि ऋणात्मक प्रगति सूचक वक्र, ठीक है। एंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अधिगम का कोहलर सिद्धांत किससे संबंधित है? तो दोस्तों कोहलर ने इनसाइड थ्योरी अंतर्दृष्टि अधिगम दिया, यानी कि समस्त परिस्थितियों का पहले ऑब्जर्वेशन करो, सोचो और एकाएक समाधान मिल जाता है इनके सिद्धांत के अनुसार, जिसे इन्होंने चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। तो अधिगम का कोहलर सिद्धांत किससे संबंधित है? इनसाइट यानी अंतर्दृष्टि, यानी कि अपना बुद्धि दिमाग लगाने का बात करते हैं ये। तो कोहलर ने कौन सा सिद्धांत दिया? अंतर्दृष्टि अधिगम, ठीक है, सीखने का सिद्धांत। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी अधिगम का कोहलर सिद्धांत अंतर्दृष्टि अधिगम से संबंधित है। अंतर्दृष्टि सीखना नामक सिद्धांत जर्मनी के गेस्टाल्टवादियों मनोवैज्ञानिकों की देन है। गेस्टाल्टवादी के जनक हैं वर्डिमर, बट इस पर सिद्धांत दिया था अंतर्दृष्टि पर सबसे पहले कोहलर ने। इन मनोवैज्ञानिकों में विशेष रूप से वर्डिमर, कोहलर, कर्ट कोपका और लेविन थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गतिक अधिगम के चरण हैं। तो गतिक अधिगम यानी मोटर स्किल के सीखने में क्या चरण होंगे? तो दोस्तों यहाँ क्या चरण होंगे? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। जैसे कि संज्ञानात्मक प्रवस्था, सबसे पहले हम उसको देखेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, ज्ञान अर्जित करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे। उसके बाद सहचर्य अवस्था 3 एंड 4 आपका स्वायत्त प्रावस्था, ये होता है गतिक अधिगम के चरण। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि निम्न में से क्या प्रशिक्षण अंतरण के संबंध में सही है? तो प्रशिक्षण अंतरण कितने प्रकार का होता है? सकारात्मक, नकारात्मक एंड शून्य अंतरण। तो यहाँ पे निराशात्मक अंतरण होगा नहीं, आप करेक्ट आंसर टिक कर दिए होंगे, यानी कि नकारात्मक, सकारात्मक, शून्य अंतरण, ये तीनों ए सी डी होगा। तो ए सी डी किस ऑप्शन में दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका व्याख्या इसको भी देख ही लेते हैं कि अधिगम अंतरण या सीखने के अंतरण को प्रशिक्षण अंतरण अथवा प्रशिक्षण का स्थानांतरण कहा जाता है। प्रशिक्षण अंतरण का तात्पर्य किसी विषय कार्य अथवा परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का उपयोग किसी अन्य विषय कार्य या परिस्थिति में करने से होता है। ये तीन प्रकार का ये है, नकारात्मक, सकारात्मक, शून्य स्थानांतरण एंड डायमेंशन के आधार पर क्षैतिज अंतरण, ऊर्ध्व अंतरण एंड द्विपार्श्विक अंतरण। क्षैतिज अंतरण क्या होता है कि सेम परिस्थिति में यानी एक स्कूटर चला रहे हैं, दूसरा स्कूटर चलाएंगे तो आपका क्षैतिज अंतरण हुआ। ऊर्ध्व अंतरण में क्या हो गया कि एक बहुत उच्च स्तर का सीखना हो जाता है, जैसे कि आप साइकिल चला रहे हैं, आपको कार चलाना पड़ा तो ऊर्ध्व अंतरण, वर्टिकल अंतरण हो जाता है। द्विपार्श्विक अंतरण क्या होता है कि जब आप दाएं हाथ का काम कर रहे हैं वही काम बाएं हाथ से कर रहे हैं, जो बाएं हाथ से कर रहे थे वो दाएं हाथ से कर रहे हैं, यानी द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान की कौन सी शाखा सीखने के सिद्धांत के सबसे पास है? तो कौन सी शाखा है दोस्तों, मनोविज्ञान की कौन सी शाखा सीखने के सिद्धांत के सबसे पास है? तो मनोविज्ञान किसका अध्ययन है? व्यवहार का। यहाँ पे व्यवहार आप जरूर लगा देंगे, तो व्यवहारवाद शाखा, एकदम दिमाग लगा के काम करेंगे। यानी मनोविज्ञान की व्यवहारवाद शाखा सीखने के सिद्धांत के सबसे पास है। व्यवहारवाद, जिसे व्यवहार मनोविज्ञान भी कहा जाता है, इस विचार के आधार पर सीखने का एक सिद्धांत है कि सभी व्यवहार कंडीशनिंग के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। पर्यावरण के साथ बातचीत के माध्यम से कंडीशनिंग होती है। व्यवहारवादियों का मानना है कि पर्यावरण के प्रति हमारी प्रतिक्रियाएं हमारे कार्यों को आकार देती हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पर्यवेक्षण का प्राथमिक ध्यान हमेशा होना चाहिए। जो पर्यवेक्षण होता है, खोजकर्ता होता है, उसका प्राथमिक ध्यान हमेशा किस पर होना चाहिए? सीखने की स्थिति पर होना चाहिए। किस पर होना चाहिए? सीखने की स्थिति पर, ना कि उपकरण पर, प्रतियोगिता पर, रिकॉर्ड्स पर। सीखना अच्छा होगा, आप स्किल अच्छे से सीख रहेंगे तो आगे का परफॉर्मेंस अच्छा ही होगा। तो पर्यवेक्षण के प्राथमिक ध्यान हमेशा सीखने की स्थिति पर होना चाहिए, याद रखिएगा। पर्यवेक्षण का प्राथमिक ध्यान हमेशा होना चाहिए सीखने की स्थिति पर। पर्यवेक्षण प्रक्रिया का उद्देश्य व्यक्तियों के मुद्दों को उठाने, समस्याओं का पता लगाने और स्थिति और खुद को संभालने के लिए नए तरीके की खोज करने के लिए, महत्वपूर्ण प्रतिबिंब में संलग्न करने के लिए सुरक्षित सहायक अवसर प्रदान करना है। पर्यवेक्षण यानी सुपरविजन का एक महत्वपूर्ण पहलू शिक्षित करने की अपनी क्षमता में निहित होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है?
तो शिक्षा सीखने की भूमिका में कौन है? एक बालक होता है, एक टीचर होता है। तो यहाँ पे आसन में या बालक होगा या टीचर होगा, ठीक। तो जो बालक और टीचर दोनों की सक्रियता, दोनों सक्रिय रहेंगे, अंतर संबंध रहेंगे, वहाँ पे शिक्षण होता है। याद रखिएगा, इस तरह से आप अपने से सोचेंगे फिर आंसर लगाएंगे तो हमेशा राइट होगा। तो शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दोस्तों? तो शिक्षक और छात्र दोनों होता है, यहाँ शिक्षक छात्र दिया ही नहीं है, तो शिक्षकों का व्यक्तित्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा, यानी कि शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में शिक्षकों का व्यक्तित्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। कारक ने सुगमकर्ताओं की भूमिका ग्रहण की है, उत्कृष्टता के साथ अपनी नई भूमिका निभाने के लिए उन्हें आजीवन सीखने वाले होने की आवश्यकता होता है। शिक्षक तो हमेशा सीखता ही रहता है, भले वो शिक्षक होता है, हमेशा स्टूडेंट बन के ही रहना पड़ता है। बट नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफलता और विफलता गतिविधियों को सीखने में किससे संबंधित है? सफलता और विफलता गतिविधियों को सीखने में किससे संबंधित है? तो दोस्तों, सफलता विफलता एक प्रकार का आपके मन में लालसा है। क्या है? लालसा है, प्राप्ति की लालसा है कि सफल होंगे। आप तैयारी कर रहे हैं, आप मन में सोच रहे हैं कि पास होंगे कि फेल होंगे, हमारा इतना तैयारी है नहीं है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार आपका ये लालसा है, प्राप्ति की लालसा की ताकत। सफलता और विफलता गतिविधियों को सीखने में किससे संबंधित है? प्राप्ति की लालसा की ताकत, यानी कि अब असफलता के बाद सफलता आपको एहसास दिलाती है कि आप कितने सक्षम हैं। अक्सर हम नहीं जानते हैं कि जब हम कोशिश नहीं करते तब तक हम क्या करने में सक्षम हैं। जब आप असफल होने के बावजूद कोशिश करते हैं और सफल होते हैं तो आपको एहसास होता है कि आप वास्तव में कितने अद्भुत हैं और आप कितना पूरा कर सकते हैं। और सफलता भी लचीलापन बनाती है, क्योंकि एक बार आप जब असफल हो गए तो दोबारा आपके अंदर उससे ज़्यादा मोटिवेशन आता है, उससे ज़्यादा आप कमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में सीखना क्या कहलाता है? तो सही ऑप्शन टिक कर दिए होंगे, यह कहलाता है अधिगम का स्थानांतरण, यानी कि सीखने का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। यानी एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में सीखना अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। ये तीन प्रकार का, सकारात्मक, नकारात्मक, शून्यात्मक, तीन प्रकार का होता है, जैसा कि मैंने पहले डिटेल में बता दिया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक कौशल का सीखना संबंध रखता है। कौशल का सीखना, तो किसी भी शारीरिक कौशल, हमारे बुद्धि प्रयोग करेंगे, अपनी शारीरिक गतिविधियों, मोटर क्षमता का भी प्रयोग करेंगे। एंड प्रभाव, यानी कि कोई हमको पुरस्कार दे दिया, तो यहाँ पे दोस्तों ज़्यादातर आपका प्रभाव करेगा मोटर सीखने की। सारी कौशल यानी स्किल हम सीख रहे हैं तो विशेष रूप से कौन हमको प्रभावित करेगा? तो यहाँ पे तीनों चीज़ें आपकी प्रभावित करेंगी। तो किसी स्किल को सीख रहे हैं तो आप अपने संज्ञानात्मक क्षमता यानी ज्ञान को, बुद्धि को ही प्रयोग करेंगे। कोई आपको कह देता है कि आप बहुत अच्छा खेलते हो या बहुत अच्छा करते हो तो आपका थोड़ा हिम्मत, साहस और बढ़ जाता है और अच्छा करने की आप कोशिश करते हैं। और आपका मोटर क्षमता, जो हमारा मोटर नर्व है या हमारे जो शारीरिक गतिविधियां हैं, गति हैं, उस समय सामान्यीकरण, कोऑर्डिनेशन करते हैं। ये तीनों चीज़ें आपको किसी स्किल यानी शारीरिक शिक्षा कौशल को सीखने में संबंध रखता है। जहाँ तक कि यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा, उपरोक्त सभी। यानी कि सीखना शारीरिक कौशल, भले ही सीखने की प्रक्रिया गहन हो, लेकिन ज़्यादातर निर्देश का मुख्य उद्देश्य या उद्देश्य आमतौर पर एक अवधारणा, एक सामान्यीकरण, एक दृष्टिकोण या एक कौशल सिखा रहा है। तो यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंडीशनिंग और रिफ्लेक्स थ्योरी किसने दिया है? कंडीशनिंग का पितामह कहा जाता है संबंधवाद, यानी कि अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया है पावलोव ने। किसने दिया है? पावलोव ने। अनुबंधन का, कंडीशनिंग यानी अनुबंधन का पिता कहा जाता है पावलोव को। इन्होंने किस पे खोज किया था? इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। इन्होंने एक वास्तविक उद्दीपन को रखा, भोजन को, उसके तब उसके कुत्ते के लार को मेजर किया
और फिर अवास्तविक उद्दीपन रखा, घंटी बजाया, उसके बदले में भी वास्तविक प्रतिक्रिया हुआ, लार आया। कुछ बार बार ऐसा किया इन्होंने, उसके बाद क्या किया कि भोजन को हटा दिया, खाली अवास्तविक उद्दीपन यानी कि केवल घंटी बजाया, फिर भी उसके बदले में वास्तविक प्रतिक्रिया हुआ, लार उतना ही निकल रहा है। तो इस प्रकार इनके सिद्धांत के अनुसार इनका जो है कुत्ते का जो मन मस्तिष्क है उस घंटी की आवाज़ के प्रति हो गया था। जब भी घंटी बजता था वो सोचता था कि अब खाना मिलेगा, यानी अनुबंधन हो जाता था उस घंटी से, अवास्तविक से। ठीक है, एक रूसी यानी कि 19वीं शताब्दी के अंत में 20वीं शताब्दी की शुरुआत में इवान पावला 1949-1936 नाम एक रूसी शरीर विज्ञानी ने, कहाँ के थे, रूस के शरीर विज्ञानी, जठरांत्र प्रणाली के शरीर विज्ञान का अध्ययन किया, जो आधुनिक युग के सबसे बड़ी वैज्ञानिक खोजों से बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रभाव अध्ययन का नियम किसके द्वारा दिया गया। तो प्रभाव अध्ययन का नियम किसके द्वारा दिया गया, दिमाग लगाइए आप। तो ये दिया गया थार्नडाइक के द्वारा। जैसे कि दोस्तों थार्नडाइक ने सीखने की तीन मुख्य नियम दिए हैं, तत्परता यानी लॉ ऑफ रेडीनेस का नियम, अभ्यास का नियम यानी लॉ ऑफ एक्सरसाइज, एंड प्रभाव का नियम यानी लॉ ऑफ इफेक्ट या लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन, संतोष असंतोष का नियम भी कहते हैं। तो यहाँ पे थार्नडाइक ने दिया यानी कि प्रभाव अधिगम का नियम थार्नडाइक द्वारा शुरू किया गया। इस नियम के अनुसार जिस क्रिया के करने से प्राणी को संतोष या सुख मिलता है उस क्रिया को वह दोबारा करना चाहता है, और जिस क्रिया को दुख और संतोष का अनुभव होता है उसे दोबारा नहीं करना चाहता। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अध्ययन का नियम है। तो अध्ययन यानी सीखने का नियम कौन सा है दोस्तों, इसमें तैयार रहने का नियम यानी लॉ ऑफ रेडीनेस यानी कि उसमें तत्परता होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए, एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, ये तीनों नियम सीखने के नियम है। इन तीनों नियम को दिया है थार्नडाइक ने, किसने दिया है, थार्नडाइक ने। तो यहाँ पे कुछ व्याख्या दिया गया है उसका कि थार्नडाइक ने तीन मुख्य नियम और पांच गौण नियम दिए हैं। तीन मुख्य नियम है दोस्तों, तैयार रहने का नियम यानी लॉ ऑफ रेडीनेस यानी तत्परता का सिद्धांत, दूसरा है अभ्यास का नियम यानी कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज जिसे हम उपयोग अनुपयोग का नियम भी कहते हैं, तीसरा है प्रभाव का नियम जिसे लॉ ऑफ इफेक्ट यानी कि सेटिस्फेक्शन का नियम भी कहते हैं। जैसे कि हाँ, अब गौण नियम में इन्होंने पांच नियम दिए हैं जैसे बहु अनुक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्यता का नियम, साहचर्य रूपांतरण का नियम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ऋणात्मक सीखने के स्थानांतरण कहलाता है। तो ऋणात्मक सीखने, ऋणात्मक मतलब सीखने में बाधा उत्पन्न होगा तो ऋणात्मक होगा, सहायता करेगा तो सकारात्मक होगा, अलग क्रिया रहेगी, भिन्न क्रिया रहेगी तो उसे कहेंगे शून्यात्मक क्रिया। बट यहाँ पे बाधा उत्पन्न ऋणात्मक है यानी कि वो सीखने में बाधा उत्पन्न करेगा, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, आप सही ऑप्शन पर गए होंगे, तो सीखने में बाधा, क्या हो जाएगा, सीखने में बाधा। इस तरीके से आप जब पढ़े हैं तो उसको सोच सोच के उसका व्याख्या करके आंसर देंगे तो आसानी से आप क्वेश्चन हल कर जाएंगे। यानी कि ऋणात्मक सीखने का स्थानांतरण सीखने में बाधा कहलाता है। किसी भी एक खेल कौशल या परिस्थिति का सीखना दूसरे खेल कौशल या परिस्थिति सीखने में बाधक सिद्ध होता है, तो इसे ऋणात्मक सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान में सर्वाधिक उद्देश्यात्मक विधि किसे माना जाता है। तो मनोविज्ञान में सर्वाधिक उद्देश्यात्मक विधि माना जाता है प्रयोगात्मक विधि, प्रयोगात्मक विधि, प्रयोग करके सीखो। मनोविज्ञान में सर्वाधिक उद्देश्यात्मक विधि प्रयोगात्मक विधि माना जाता है क्योंकि मनोविज्ञान में को व्यवहार का विज्ञान माना जाता है, मानकर माना व्यक्ति के व्यवहार पर प्रयोग करके उसका उद्देश्य पूरा करता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम सीखने के सिद्धांतों की खोज किसने की, थार्नडाइक ने किया। क्या क्या, तीन मुख्य नियम दिया, तत्परता का नियम जिसे लॉ ऑफ रेडीनेस, और इसे माइंडसेट का भी नियम कहते हैं, जैसे हम खेलने के पहले क्या करते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं, वार्मिंग अप क्या होता है, ये रेडीनेस यानी तत्परता के नियम में आ जाएगा। एंड लॉ ऑफ एक्सरसाइज यानी अभ्यास का नियम जिसे हम क्या कहते हैं, उपयोग अनुपयोग का नियम कहते हैं, अभ्यास के नियम को, जैसे कि किसी चीज़ का हम बार बार उपयोग कर रहे हैं तो वो हमारे संज्ञान में रहता है, उसको हम अच्छे से सीखे रहते हैं, बट उसको करना छोड़ देते हैं, उपयोग नहीं करते हैं तो वो भूल जाता है धीरे धीरे इस प्रकार। और तीसरा है प्रभाव का नियम, इसे सेटिस्फेक्शन या संतोष असंतोष का नियम भी कहते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किस
सिद्धांत के विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दोस्तों बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने। किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। एक कारक पूछेगा तो अल्बर्ट बी ने, जिन्होंने सबसे पहले बुद्धि का सिद्धांत बुद्धि परीक्षण किया था। एंड बहुकारक सिद्धांत थार्नडाइक, बहुबुद्धि सिद्धांत हावर्ड गार्डनर। इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। एंड इस प्रकार बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत के विकास का श्रेय स्पीयरमैन को दिया जाता है। स्पीयरमैन ने बुद्धि को दो भागों में बांटा, सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि। कितने भागों में बांटा? जनरल इंटेलिजेंस एंड स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि। सामान्य बुद्धि का प्रयोग जीवन के प्रत्येक कार्य में होता है, लेकिन विशिष्ट बुद्धि का प्रयोग किसी विशेष कार्य के लिए ही होता है। जैसे बहुत सारे साधारण लोग सामान्य बुद्धि के होते हैं, और विशिष्ट बुद्धि के जैसे आइंस्टीन हो गए, बड़े बड़े वैज्ञानिक हो गए, विशिष्ट बुद्धि के होंगे। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? आप टिक कर दिए होंगे आंसर, कोहलर है। अंतर्दृष्टि इनसाइड थ्योरी, यानी जर्मनी के गेस्टाल्टवादियों ने अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का समर्थन किया। इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी व्यक्ति ट्रायल एरर द्वारा नहीं सीखता। ट्रायल एरर दिया था थार्नडाइक ने, इसके विरोध में दिया था गेस्टाल्टवादियों ने इनसाइड थ्योरी, यानी यह ट्रायल एरर द्वारा नहीं सीखता बल्कि सर्वप्रथम वह अपनी मानसिक शक्ति या बुद्धि के अनुसार समस्या की समग्र स्थिति का प्रत्यक्ष निरीक्षण करता है। बट दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है थार्नडाइक का ट्रायल एरर सिद्धांत, क्योंकि वो ज़्यादा लोगों पर अप्लाई होता है। किसी चीज़ को आप करेंगे, एक बार गलती होगा, फिर सुधार करेंगे, फिर गलती होगा, फिर इसी तरह आप सीख जाएंगे। दोनों अपने अपने स्थान पर सही है। कुछ उच्च वर्ग के लोग हैं जिसका आईक्यू लेवल ज़्यादा है, वो कोहलर का सिद्धांत उस पर लागू होता है। जो जिसका आईक्यू लेवल थोड़ा सा कम है, गलती कर करके सीखता है, उस पर थार्नडाइक का नियम लागू होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, कि निम्न में से कौन सी शर्त सीखने में पठार की घटना का कारण नहीं है? तो दोस्तों सीखने का पठार होता क्यों है? एक ही काम है, बार बार एक ही चीज़ को करते जा रहे हैं, उसमें बदलाव नहीं कर रहे हैं कुछ सिस्टम में। तो जैसे कि एक रास्ता हो गया, यानी एक ही थकान हो गया, व्याकुलता हो गया, आप थक गए हैं, आप मन नहीं कर रहा है, तो भी आप करते जा रहे हैं, तो सीखने के पठार यानी उसमें आप सीख नहीं पाएंगे, रुक जाएगी। तो इस ये तीनों आपके कारण हैं, बट शारीरिक सीमा आपका कारण नहीं है। शारीरिक सीमा आपका क्या कारण नहीं है? ठीक है, यानी कि सीखने पठार की घटना का कारण सारी सीमा नहीं है। सीखने पठार तब आते हैं जब व्यक्ति सीखने के एक अवस्था तक पहुंच जाता है और दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है। ठीक है, तो उसे सीखने के पठार कहते हैं। तो दोस्तों ये था आज के सेशन में इतनी क्वेश्चन। आई होप कि सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। जो भी डाउट होगा कमेंट में बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे और लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। इसी तरह डेली बेसिस प्रैक्टिस करते रहिए। एंड जो भी समस्या होगी कमेंट में बताइए। एंड फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।